हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिटी के डिवाइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास मनी प्लांट के जो हैं प्लांट बहुत सारे हैं, बहुत 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 सारे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे हैं। मेरे टेरेस पे से नीचे की तरफ जाते हुए बहुत सारे हैं, बहुत सारों की मैंने कटाई छटाई करके शिफ्टिंग भी कर दी है। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो ओवरव्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी शाम के 4 बजे हुए हैं, दोपहर के समझ लीजिए, शाम के समझ लीजिए। तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कोना है जहाँ पर मेरा ग्राउंड फ्लोर पर, या फिर गली में बोलूँ, जहाँ पर मेरा बड़ा ट्री है उसके बगल का ये कोना मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा बड़ा ट्री और ये है कोना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी प्लांट, डबल बैकबोन मनी प्लांट। बहुत सारे मनी प्लांट हैं, मैं नीचे गली में दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। और सामने देखते जाइए, बहुत सारे प्लांट की अभी हालत ख़राब है, जैसे कि हमारा ट्रम्पेट वाइन हो गया, ठीक है। बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, वेरीगेटेड हिबिकस, कुछ प्लांट की शिफ्टिंग वगैरह मैंने कर दी है। और ये स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही अच्छा चल रहा है इस टाइम पे भी, कनेर है, लंटाना है। और दिखाती हूँ मैं आपको लंटाना पे अब फ्लावरिंग होने वाली है। बर्ड्स आपको दिख गई होगी, मोस्ट रोज है, ये हमारा क्रूटोन है, टमाटर डबल बैकबोन सदाबहार। और ये है हमारा करेला, करेले के बहुत सारे प्लांट हैं इस बार। ये है मेरा पोई साग, ये है हमारा बैंगन। बैंगन का मैंने एक यहाँ भी लगाया है पीछे की तरफ, इसकी शिफ्टिंग करी थी मैंने, मतलब कि पौध तैयार हो गई थी तो इसको बदला था मैंने। टमाटर बहुत सारे हैं, आज मैं टमाटर में सोच रही हूँ कुछ शिफ्टिंग कर दूँ, मतलब कि पौध चेंज कर दूँ, कर भी दी है बहुत सारी। और ये कटिंग लगाई थी मैंने, माय फेवरेट बोगनविलिया की, चल पड़ी अच्छे से। यहाँ पर भी बहुत सारी कटाई छटाई हो चुकी है, डबल चांदनी, जटरोफा, रतन ज्योत मैं इसको बोलती हूँ, पालक। यहाँ मैं सपोर्ट देने वाली थी इसीलिए मैंने यहाँ से ये बकेट हटाई थी, इसमें भी टमाटर ही हैं। रोहियो प्लांट ये भी चल रहा है, और इसके 3 प्लांट अलग लगे हुए हैं मेरे फर्स्ट फ्लोर पर। और यहाँ देखिए, ये घिया तोरी की बेल है, इस पर अभी भी बर्ड्स बनी हुई हैं और एक आधी तोरी भी आती है। जट्रोफा में भी हमेशा फ्लावरिंग होती है, मोस्ट रोज। इनको सेव कैसे करना है इस पर भी एक वीडियो बनाना मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब इनका टाइम जा चुका है, अब ये सारे झड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और रोज़ देखिए, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माई गार्डन का स्टेम ये देखिए, वेरीगेटेड हिबिकस, कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। मेरे गार्डन की जान तो आज यही है। फ्लावरिंग प्लांट पर बहुत सारी बर्ड बनी हुई हैं, बटन रोज़ का प्लांट है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट को ना बहुत मुश्किल से बचाया है, जामुन का प्लांट है। हमेशा मेरी भतीजी और मेरी मम्मी इस प्लांट के बारे में पूछती हैं। मैंने किसी वीडियो में आप सबको बताया था कि ये प्लांट मम्मी ने मुझे दिया है, गिफ्ट किया है। तो देखिए, इस पर अब मतलब कि ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि गया, लेकिन ये नीचे से ऊपर तक इस पर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। कैना लिली को कैसे सेव करते हैं अब इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसके सारे प्लांट अब ख़राब हो चुके हैं, होने लग रहे हैं मेरे गार्डन में। तो आप सब भी बताइएगा कि आपके गार्डन में कैना लिली के प्लांट इस टाइम कैसे हैं। माय फेवरेट बोगनविलिया, फ्लावरिंग अच्छी होती हुई। चांदनी, और इसको भी देखिए, मैंने बहुत मुश्किल से बचाया है। पूरे साल आपने देखा होगा कि मेरे गार्डन में एक भी मैंने मोगरा के प्लांट का वीडियो नहीं शेयर किया था, मुश्किल से एक आधा ही शेयर किया था, क्योंकि इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। और दोनों प्लांट इस पर मैंने सर्वाइव बड़ी मुश्किल से करवाया है इनको, ठीक है। ये देखिए रेडिश, और ट्रम्पेट वाइन भी लगी हुई है। और पीछे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखिए, नन्ना सा मेहमान टमाटर का है, मैंने इसको ग्रो नहीं किया, अपने आप हो गया है। चांदनी अच्छी खासी चल रही है, कुछ कटिंग भी की है गार्डन में आज, देखिए अनार की कटिंग कर दी। और देखिए, पूरा गार्डन जो है आज अस्त व्यस्त हो रहा है, बिकॉज मैं काम कर रही हूँ दोपहर बाद से, तो गार्डन में कुछ शिफ्टिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने बैंगन और टमाटर की जो पौध थी उनको अलग कर दिया है, टमाटर बहुत सारे हैं, उन सबको अलग करने की लगी हुई हूँ बस मैं। ये देखिए, यहाँ पर ये है, यहाँ हमारे टमाटर, इनको मैंने अलग कर दिया है। और हमारे प्याज अच्छी खासी ग्रो हो रही है, फ्रेश
प्याज मैंने ग्रो करना बताई थी, इसका सेपरेट वीडियो है, चैनल पर देख लेना। ये करी पत्ता है, तुलसी माता है, ये भी अच्छी खासी चल रही है। मैं इनके बीज जो है उनको सेव करना सोच रही हूँ, इसलिए ये जो मंजरियाँ होती हैं इनको कट नहीं कर रही हूँ। ऊपर की तरफ देखिए एलोवेरा, और ये स्पाइडर प्लांट की एक वैरायटी है, ये भी अच्छी खासी चल रही है। सदाबहार मैंने यहाँ पर रखे हैं क्योंकि गार्डन में कुछ शिफ्टिंग कर दी है, पहले भी एक बार की थी अब दोबारा की है, क्योंकि इस तरफ मुझे वेजिटेबल की प्लांट लगे हुए थे तो उन पे मधुमक्खी अट्रैक आए पॉलिनेशन हो जाए, उस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावरिंग प्लांट रखे थे। रोज़ कुछ ना कुछ शिफ्टिंग होती रहती है। और ये है हमारा हार सिंगार का प्लांट, अच्छा ग्रो हो रहा है, लीव्स वगैरह भी डेवलप हो रही हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा, इसमें दो प्लांट है मेरे, ठीक है, एक तो चमेली का है और दूसरा अपराजिता का है। अपराजिता का यहाँ साइड में है और ये चमेली का है, ठीक है, मिक्स मैच हो रहे हैं दोनों। इसका वीडियो है मेरे चैनल पर, आई थिंक मैंने इसका वीडियो शेयर किया था अपराजिता की जब एक्सपेरिमेंट किया था, आई थिंक, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये है हमारा डबल चांदनी, कटिंग से ग्रो किया था, इसकी कटिंग मैंने 3-4 जगह लगाई है, वो सब चल रही हैं अच्छे से, ये सारे कटिंग वाले ही प्लांट हैं। जेड प्लांट, इसमें भी देखिए एक टमाटर निकल आया अपने आप ही, ये देखिए ये वाला, ये देखिए क्लियर हो गया ना। और ये है हमारा पत्थर चट, ठीक है, और ये वाला जो पॉट है फ्रेंड्स, ये बिग जो कनेर है उसका पॉट है, दिख गया आपको, ये देखिए इसमें मैंने कटिंग लगाई थी। और ये देखिए डबल चांदी की कटिंग आपको दिख गया होगा, क्लियर ग्रो हो रही है आराम से। और ये कॉक्सकॉम का प्लांट जो है अच्छा है, और इस पर बर्ड भी बनी हुई है नीचे की तरफ, और इस पर फ्लावरिंग भी 2 महीने से लगातार हो रही है। पीछे की तरफ मेरा टमाटर का गमला है, उसमें बहुत सारे टमाटर है। ये हमारा है मजनू लैला का प्लांट, अच्छा ग्रो करता हुआ। पीछे रखा है मोगरा, अगेन हमारा प्याज है, और सामने है मेरा करेला, और ये है मेरी पोई साग। अब इस पर देखिए सीड बनते हुए हैं आप सब सोचोगे कि फ्लावर है, फ्लावर नहीं है, ये सीड है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको चुहियाँ दिखाना सोच रही हूँ, वहाँ कोने की तरफ है, अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ कोने में है, आपको नहीं दिख रही होगी बट मुझे दिख रही है। ये चुहियाँ मेरे गार्डन में ख़राब कर रही है सब कुछ, यहीं पीछे है, मुझे देखकर छुप गई है वो। चलिए छोड़िए, यहाँ प्याज हमारा और टमाटर के पौध बहुत सारी है। इसमें मेरा है अपराजिता का प्लांट, और पीछे फिर हस्बैंड ने शिफ्टिंग कर दी है, वो है हमारा, ये देखिए ऊपर से देख लीजिए, चंपा, ट्रम्पेट वाइन के 2 प्लांट, अपराजिता, टेबल बैक बोन, कुछ मैंने सीडलिंग की है, बहुत सारे प्लांट की शिफ्टिंग वगैरह हो गई है। ये है हमारा कैनालीली का प्लांट, और ये है ड्रेसिना फैमिली का प्लांट, ठीक है, इसमें मेरे 3 प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं। और यहाँ पर भी देखिए लगाया है मैंने धनिया टैग दिख रहा होगा आपको, आई होप आपको दिख गया होगा टैग, ये देखिए धनिया है, लेकिन ये धनिया नहीं उग के टमाटर निकल रहे हैं ये टमाटर के मैंने कल इनकी शिफ्टिंग की थी पौध की, इसमें अभी तो कुछ नहीं निकला है, आई थिंक चूहियाँ इसमें बहुत उत्पात मचाती है। टैग आपको दिख रहा होगा सामने, कैरेट का है, जेड प्लांट है, फाइकस की बहुत सारी प्लांट इस तरफ रखे हैं, कनेर, हिबिकस, और ऊपर की तरफ देखिए इस बार ये सब ऊपर जा चुके हैं ना फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से मुझे इनका पॉट दिखता नहीं है कि वो पॉट गीला है सूखा है। तो देखिए ये देखिए ये बिल्कुल सूखा हुआ है ना, तो इसी की वजह से प्लांट की लीव जो है वो सारी गिर रही हैं पानी की कमी की वजह से। तो पानी की कमी मत होने देना, जब आपको लगे पॉट कि आपका सूख चुका है मिट्टी बिल्कुल, तब उसमें वाटरिंग ज़रूर कर देना। या पूरी रो जो है ना वो फाइकस की ही है, ठीक है, फाइकस मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए स्टारलाइट फाइकस जिसे बोलते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है, उस वाले से अच्छा मुझे ये लगता है। 2 प्लांट है मेरे पास इसके, और मैंने ये दोनों ही सेव कर रखे हैं। ये है हमारा डेवल बैकबोन, और सॉरी डिफिनबेचिया, ये मेरे ख्याल से अब कुछ शिफ्टिंग की है ना, तो 3-4 प्लांट ऊपर आ चुके हैं, तो इनको मुझे हटाना है, नीचे लेके जाऊंगी नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए ये जो बकेट है, ये भी टोकरी है आटा छानने वाली, ठीक है, ये इसका DIY है, चैनल पर कैसे बनाई थी मैंने, तो ये भी बिल्कुल सूखी हुई है, इस पर भी वाटरिंग करनी है। इसमें भी स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, और पीछे की तरफ है मेरा ये वाला जो मनी प्लांट है ना फ्रेंड, साथ में जा रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, येलो जो टच है इसकी लीफ में, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और कैना लीली जैसा कि मैं बता रही हूँ, इनको अब हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट ही हुई है। और ये देखिए ये डिफरेंट वैरायटी का फाइकस था,
ये दोनों प्लांट बड़ी मुश्किल से बचे, नहीं तो गए थे ऑलमोस्ट। ठीक है, डबल बैकबोन मैंने बोतल में लगाया है और रोज़ की चाय पत्ती जो आती है वो यहाँ रखी हुई है। और फ्रेंड्स ये है हमारा लक्की बैम्बू की एक वैरायटी, मेरे गार्डन में ये बहुत सारी है। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा पाम, पाम के दो प्लांट थे मेरे पास तो मैंने उनकी शिफ्टिंग वगैरह की थी, तो एक तो अच्छे से सर्वाइव कर रहा जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर रखा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं इसको ठीक कर लूँगी। ट्रम्पेट वाइन है, अनार है, अनार की कटिंग देखिए मैंने यहीं से की है, बहुत लंबा हो गया था तो मैंने कट कर दिया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पीछे शमी का प्लांट है और वहाँ पीछे हमारा छिप गया है ये वाला प्लांट, ये अशोका का प्लांट है ये देखिए। ठीक है, और ये भी है हमारा लक्की बैम्बू। अभी विंटर स्टार्ट हो गया ना फ्रेंड्स, तो इसलिए गार्डन में मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी ठंड होती है तो मैं ऊपर नहीं आ पाती हूँ, मैं 12 बजे तक ही ऊपर आ पाती हूँ, तो इस वजह से मैं इन पर सावरिंग नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इनको धो दूँ। ये भी मेरा डबल चांदनी का प्लांट है। और ये वाला प्लांट देखिए फ्रेंड्स, ये कनेर का प्लांट है, ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट है, कनेर के एक ही प्लांट है ये, उसी में से ग्रोथ आ रही है इसकी। और ये देखिए दूसरा रत्न ज्योत का प्लांट है ये वाला, ठीक है, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये भी। और यहाँ पर मेरे रखे हैं ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे पास मनी प्लांट की बहुत सारे प्लांट है, तो ये भी है। तो देखिए इस टाइप की जो सूखी लीव्स हो जाती है ना किसी भी प्लांट की, तो आपको उनको हटा देना है क्योंकि ये दोबारा से तो ग्रीन होने वाली नहीं है, तो आप हटा ही दीजिए इससे अच्छा। तो ठीक है, ऐसे थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग वगैरह करते रहिए। और ये देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ, ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी। और ये सुख शांति का प्लांट है, बहुत ढीठ प्लांट है, मैं बताती हूँ फ्रेंड्स आपको, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है और आराम से ग्रो हो जाता है। मैंने इसको बिल्कुल उड़ा दिया था, कट कर दिया था, उसके बाद देखिए फिर मुझे लगा भाई चलो प्लांट है कोई बात नहीं, फ्लावरिंग नहीं हो रही तो क्या हुआ, ग्रीन भी तो फैला ही रहा है। तो मैंने इसको एक छोटे से कंटेनर पॉट ही बोल लीजिए, तो देखिए ये पॉट जो है ना टूटा हुआ है, डैमेज हो चुका है यहाँ से, फिर भी मैंने चलो रख लेते हैं, अगर सर्वाइव किया तो बहुत अच्छी बात है। और कोई, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, कोई मुझे इस प्लांट का नाम बताओ ताकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। देख लीजिए पास से, और इसमें भी हमारा लगा हुआ है, ये देखिए तीन प्लांट है, तीनों मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, सॉरी दो प्लांट कटिंग से ग्रो किए हैं, ये वाले डिफिनबेचिया के प्लांट और ये वाला तो हमारा आपको पता ही है। इसकी लीव्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्रूटोन्स की वैरायटी है ये। तो फ्रेंड्स देखिए गार्डन काफ़ी बड़ा है, ओवरव्यू भी आप सबको काफ़ी बड़ा ही लग गया होगा, तो इस तरफ भी काफ़ी सारे प्लांट हैं जिनको मैं नहीं दिखा पाती हूँ हमेशा, तो वो जो कंटेनर है उससे मुझे खाली करना है। और उसके पीछे जो कंटेनर आपको दिख रहा है उसमें मैंने आपको बनाना बताया था लार्ज स्केल पर कंपोस्टिंग, ठीक है, तो वो सेकंड बार मैं उसमें डाल चुकी हूँ, थर्ड बार मैं कल या परसों डालूंगी जिस दिन भी वो भैया आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। ये वाला सेक्शन भी दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने सब सारे के सारे अपना स्पाइडर प्लांट ही रखे हैं, ये देखिए। लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ये भी एक डेवल बैकबोन की ही वैरायटी है, तो मुझे वो फर्स्ट में जो मैंने आपको दिखाया वो अच्छा लगता है, ये हस्बैंड को अच्छा लगता है इसलिए ये भी रखा हुआ है, हटाया नहीं है, ग्रीनरी तो फैला ही रहा है। ये देखिए इसका लुक दिखाती हूँ मैं आपको दूर से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।